दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। आपका अपना YouTube चैनल संस्कार कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक बात, दोस्त दोस्त से जुदा नहीं होता। कौन कहता है जमी पे खुदा नहीं होता? खुदा से ही बढ़कर होता है दोस्त, क्योंकि दोस्त कभी बेवफा नहीं होता। जो बेवफा हो जाते हैं वो जाने दीजिए उनको। अरे बेवफा होने वालों पर नहीं मरना है, अपना काम करना है, नौकरी लेना है, कुछ करना है। जो बेवफा हो गए छोड़ दीजिए उनको, वो बाद में आएंगे, खुद आएंगे तेरे पीछे, अपने यहाँ पाएंगे आपके पीछे। तो चलिए, ये आप देख रहे हैं प्लांट का जो है रूट का, प्लांट रूट का, पादप जड़ का, ये दूसरा पार्ट है वीडियो का, पार्ट टू देख रहे हैं। फर्स्ट में हम लोग पढ़े थे बेसिक चीज, उसमें क्या कि जो प्लांट का रूट होता है वो कैसे बनता है, क्या काम होता है, किसके मतलब जो अनुवर्तन होता है, कौन सा अनुवर्तन पॉजिटिव होता है, कौन नेगेटिव होता है, क्या क्या कार्य है, वगैरह वगैरह हम लोग पढ़ चुके थे। अगर आप लोग पार्ट वन ना देखे हो तो पार्ट वन जाकर के जरूर देख लेना वीडियो पे, चलिए चैनल पे जाकर के जरूर देख लेंगे। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। इसमें ना हम लोग को मूल रूप से पढ़ना है ना टाइप्स ऑफ रूट। क्या पढ़ना है हम लोग को? टाइप्स ऑफ रूट यानी जड़ के प्रकार। क्या पढ़ना है हम लोग को? जड़ के प्रकार। अब जड़ के कची के जड़ के प्रकार, अरे पढ़ कची रहे हैं, प्लांट रूट पढ़ रहे हैं, तो पादप जड़ के प्रकार, ठीक है ना, पादप जड़ के प्रकार हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसका टाइप पढ़ना हम लोग को कि जड़ के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ना, तो इस तरह से हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं, इस तरह से जो डायग्राम बनाएंगे ना ताकि चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वो टाइप रूट, किस रूट का? टैप रूट का। टैप रूट को ना हम लोग हिंदी में बोलते हैं मूसला जड़। क्या बोलेंगे? मूसला जड़ बोलेंगे। चलिए दूसरी बात, दूसरा जो हम लोग टाइप पढ़ेंगे ना वो क्लाइंबिंग रूट पढ़ेंगे। कौन सा रूट पढ़ेंगे? क्लाइंबिंग रूट यानी आरोही जड़। क्या है? आरोही जड़। चलिए तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो है पैरासाइटिक रूट। कौन सा रूट? पैरासाइटिक रूट, परजीवी जड़। चलिए आगे जो हम लोग पढ़ेंगे एपीफाइटिक रूट। कौन सा रूट? एपीफाइटिक रूट यानी अधिपाद जड़। कौन सा? अधिपाद जड़। चलिए इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना होगा लास्ट वाला जो टाइप हम लोग पढ़ेंगे एडवेंटेशियस रूट। ठीक है, ये नजर आ रहा है ना एडवेंटेशियस रूट, एडवेंटेशियस रूट। चलो कोई बात, ठीक है एडवेंटेशियस रूट। इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे ना आपस्थानिक जड़। कौन सा जड़ बोलेंगे? आपस्थानिक जड़। अब बात आती है ना कि ये पांच रूट तो हम लोग पढ़ लेंगे। आप लोग को मूल रूप से ना पूछा जाएगा इसमें ना ये मूसला जड़ टैप रूट की बात किया जाएगा, जो क्वेश्चंस बनते हैं बॉटनी में प्लांट रूट से, इससे क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा जाता है, और ये अपस्थानिक जड़ से भी कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए तो सबसे पहले अगर हम लोग टैप रूट के बारे में, तो टैप रूट का मतलब क्या होता है? टैप रूट वो रूट होता है, वैसा जड़ होता है मूसला जड़, जो सभी पादप में होता है, चाहे छोटका रहे चाहे बड़का रहे, ठीक है ना, छोटा छोटा बड़ा बड़ा सब में होता है। हर पेड़, जितना भी पेड़ पौधा रहेगा ना, सब में टैप रूट जरूरी है। टैप रूट जो जब पेड़ होता है, पौधा होता है, उसमें होना ही होना होता है। चलिए अभी टैप रूट का मतलब क्या होता है? जो सीधे खोपचा नीचे जाता है, खोपचा की तरफ सीधे क्या करता है? नीचे जाता है, नीचे की ओर जाता है ना, उसी को हम लोग टैप रूट कहते हैं। जैसे हम लोग बात करेंगे टैप रूट का, कैसे बात करते हैं, जैसे देखो यहाँ पे आपका जमीन हो गया, ठीक है ना, ये क्या है आपका जमीन है। जमीन से ऊपर ये क्या होता है ना, तना होता है, तना के ऊपर में इस तरह से आपका क्या होता है लगा, तना के ऊपर में इस तरह से, चलिए आपका ये पेड़ है, ठीक है, ये क्या होता है पेड़ लगा हुआ है, पेड़ पत्ते वगैरह जो कुछ भी है। नीचे जब आते हैं तो खोपचा एकदम नीचे सीधे नीचे जाएगा, खोपचा ही जाएगा एकदम नीचे सीधे जाएगा, और नीचे जाएगा ना यही आपका क्या है टैप रूट। जबकि हम पढ़े थे इसमें रूट कैप होता है, रूट हेयर होता है। अब यहीं पर बात करते हैं इसमें हम लोग क्या कि जब ये नीचे जाता है तो क्या होता है ना कि ये इस तरह से इसमें शाखाएं निकल जाती हैं, तो अब फिर इसके बाद देखेंगे ना तो इस तरह से और निकल जाएगा, इसमें भी और निकल जाएगा, उस तरह से अगर बात करें तो ये निकल जाएगा इसमें भी और निकल गया, इसी तरह से इधर आते हैं तो ये देखते हैं इसमें भी कुछ निकल जाएगा, इसमें भी कुछ निकल गया, ये निकला इसमें से कुछ आया, इसमें से कुछ आया। तो ये ना है किसका जड़ है, ये किसका प्रकार है, किस तरह का जड़ है? ये मूसला जड़ है यानी टैप रूट है। ये सभी पौधों में पाया जाता है। तो आपसे अगर पूछा जाए
कि कौन सा ऐसा जड़ है जो सभी पौधों में अनिवार्य रूप से पाया जाता है, तो वो कौन सा जड़ है? मूसला जड़ है। इसको आप परमानेंट जड़ भी कह सकते हो, परमानेंट रूट भी कह सकते हो। अब यहीं पे एक बात और हम लोग देखते हैं कि ये जो सीधे आया यहां से, जो इस तरह से जो फर्स्ट बार निकल रहा है, पहला रेशा जो पहले जो निकल रहा है ना, ये आपका क्या कहलाएगा? प्राइमरी रूट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आपका प्राइमरी रूट कहलाता है। ओके, अब इससे जो निकल के आएगा वो क्या कहलाएगा? सेकेंडरी रूट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेकेंडरी। इससे जो निकल करके और ऐसा जो निकलेगा वो क्या कहलाएगा? टर्शियरी रूट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? टर्शियरी रूट। इधर से उस तरह से अगर हम लोग जो निकाल रहे हैं, इस तरह से अगर बात करें, इसमें देख रहे थे ये आया, ये आपका प्राइमरी रूट है, ये क्या हो गया? सेकेंडरी रूट हो जाएगा। इससे जो निकलेगा आपका क्या कहलाएगा? टर्शियरी रूट कहलाता है। तो ये मूसला जड़ इस तरह से होता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि किस बीच बीच रूट इज कॉल्ड परमानेंट रूट, दैट इज व्हाट टैप रूट, यानी मूसला जड़ को परमानेंट यानी अस्थाई जड़ कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि कौन सा जड़ होता है सही पौधों में आप बिल्कुल अनिवार्य रूप से पाया जाता है, तो आप क्या बताओगे? मूसला जड़ बताओगे। और यही है, पूछा जाए कि किस जड़ को या तो प्राइमरी रूट भी कहा जाता है, तो किसको बोलेंगे हम लोग? मूसला जड़ को बोलेंगे, प्राइमरी जड़। चलिए, तो इस तरह से होता है, नीचे सीधे जा रहा है, ये सब में होता है, इसी का काम होता है मिट्टी को खोद करके मिट्टी को पकड़ते रखना, ये सब। चलिए, तो ये मूसला जड़ हो गया। अब हम लोग बात करते हैं आगे, ये आरोही जड़ क्या होता है? आरोही जड़ होता है क्या? क्लाइंबिंग रूट। ये जैसे छोटा छोटा जो पौधा होता है ना, कुछ कुछ, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ अभी, होता है क्या ना कि आप लगा दिए, उसका बीज बो दिए, वो अंकुरित हुआ, अंकुरित होने के बाद पलमूले से यानी प्रांकुर से उसका जो तना का निकलता है, तो उसको आप एक डंडा खड़ा कर देते हो, वहां पे डंडा के सहारे क्या होता है, ऊपर चढ़ जाता है। जैसे आप लोगों ने मनी प्लांट का पेड़ देखा हो, पौधा देखा होगा, क्या होता है कि जब आप उसको लगा देते हो, उसके ऊपर से रस्सी खींच के टांग देते हो छत पे, तो वो रस्सी में इस तरह से घूमते 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 क्या होता है ना, वो छत पे चढ़ जाता है। यानी जब आप यहाँ पे लगा देते हो छोटा पौधा और यहाँ पे एक डंडा लगा देते हो या कोई रस्सी लगाते हो, तो जैसे ही निकलता है तना इसका, तो इस तरह से ये घूमते 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 क्या होता है ना, ऊपर चढ़ जाता है। तो आरोही जड़ इसी को बोला जाता है जो किसी चीज के सहारे ऊपर की ओर क्या कर जाता हो, चढ़ जाता हो। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? आरोही जड़ बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं, इसका मनी प्लांट हम लोग एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। क्या? मनी प्लांट, ये आरोही जड़ का उदाहरण होता है। जैसे आप मूसला जड़ का पूछो, तो जैसे नीम है, बरगद है, पीपल है, ये सब क्या है? जामुन है, सब क्या हो जाता है? सब मूसला जड़ वाला है, यानी सब में तो ये है जड़ी वाला। चलिए, अब परजीवी जड़ क्या होता है? परजीवी का मतलब पहले हम लोग समझेंगे। क्या समझेंगे? परजीवी का मतलब समझेंगे। परजीवी दो शब्द से बना है। बायोलॉजी में एक चीज आपको ध्यान देना होगा, बायोलॉजी में अगर आप शब्दों को तोड़ करके अगर देखते हो ना, तो चीजें साफ हो जाती है। बायोलॉजी में अगर शब्दों को अगर खंडित करो, विच्छेद अगर करते हो ना, तो चीजें बिल्कुल स्पष्ट नजर आती हैं। तो ससुरा में काहे ना तोड़िए दो एकरा, तो परजीवी। पर और किससे बना है? जीवी से बना है। पर का मतलब क्या होता है? दूसरा। पर का मतलब क्या होता है? दूसरा। और जीवी के मतलब पची होता है, जिंदा है। यानी दूसरा पर जिंदा है, तो दूसरा पर जिंदा है उसको क्या कहेंगे? परजीवी। दूसरा पर जिंदा है। अब जैसे एग्जांपल आप लोग देखो, ये क्या करता है ना कि सब चीज वही पेड़ से लेता है, अपना जड़ वगैरह कुछ नहीं इसका होता है नीचे जमीन में इसका जड़ कुछ नहीं होता है, सब चीज दूसरे के इस्तेमाल करता है। जैसे आप लोग देखे हो ना, जैसे क्या होता है ना कि हम लोग कभी कभार अपने घर में से बाहर जब निकलते हैं, नदी नाला की ओर जाते हैं, तो क्या देखते हैं ना, नदी नाला की ओर जाएंगे ना, तो बैर के पेड़ रहेगा, ठीक है ना, या कुछ का पेड़ जब होता है ना, तो उसपे हम लोग देखते हैं ना, खास करके बैर या इस पे हम लोग देखते हैं क्या होता है कि पूरा इस तरह से है, इस तरह से जो पेड़ होता है लगा हुआ, उसपे अमरलता, जिसको हम लोग अपने गांव घर में बोलते हैं अमरलता, ये फैल जाते इस तरह से, क्या होता है ना, इस तरह से इसपे चारों तरफ पत्तियों पर घेरा रहता है, इसी से जल भी अवशोषित करेगा, भोजन मिलेगा न मिलेगा, वट एवर द थिंग्स दैट नीड्स द फ्रॉम क्या होता है ना, अनदर प्लांट, जो कुछ भी इसको जरूरत होता है ना, वो दूसरे पेड़ से, जिस पेड़ पर होता है ना, उसी पेड़ से ये ग्रहण करता है। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा ना, अमर बेल हो जाएगा, जिसको हम लोग अपनी भाषा में क्या बोलते हैं ना, अमरलता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमरलता बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे इसको? अमर बेल, इसका एग्जाम्पल होता है। तो इस तरह से क्या होता है ना, परजीवी जड़ होता है। अब बात करते हैं अधिपाद, क्या होता है? अधिपाद होता है। अधिपाद की अगर बात करें तो इसको भी दो शब्द में इसको तोड़ करके देखो, इसको भी अगर हम लोग तोड़ते हैं तो क्या पाते हैं? यहाँ पे देख रहे हैं कि ये है अधि, तोड़ो ना भैया, आराम से तोड़ो ना शब्दों को ना, बिल्कुल समझ में आएगा, ये अधि और ये क्या है? पाद। अधि और ये क्या है? पाद।
अधि मतलब क्या होता है ऊपर, अधि मतलब क्या होगा ऊपर, और पाद का मतलब क्या होगा पौधा, पाद का मतलब बायोलॉजी में पौधा, पाद के मतलब कुछ और ना समझ लीजिए, यहाँ पे हम लोग पाद का मतलब बायोलॉजी में क्या समझ रहे हैं पौधा समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो पौधा के ऊपर रहता है, कभी कभी हम लोग देखते हैं का कि जब इधर उधर से पाद दूध में निकल गए तो देखे का कि तार के पेड़ है जगह से तड़ी उतरता है ओकरा पर का देखते हैं ना, या फिर छोटा छोटा जो होता है ना ओकरा पर का देखते हैं ना कि पीपल निकल है ओकरा पर, जैसे वो पेड़ है कुछ ऐसे पेड़ है, एक पेड़ है ना तना, अब यहाँ पे ना एकरा पर से एगो निकल गया है, कुछ निकल गया दूसरा पौधा निकल गया, इसी को हम लोग बोलते हैं ना अधिपाद जड़, ये ऊपर में होता है इसका। अब बात करते हैं क्या कि ये जो है क्या ये इससे कुछ ग्रहण करता है अधिपाद या दूसरा पेड़, जैसे अगर मान लीजिए कभी कभार देखें वो तार के पेड़ में से पीपल निकला हुआ है, तो पीपल जो होता है वो तार के पेड़ से कुछ अवशोषित करता है नहीं, वो जो होता है वो सब चीज अपने आप नमी वगैरह होता है ना उसमें एक बेनामेल ऊतक होता है और बेनामेल ऊतक से हर चीज वो ग्रहण कर लेता है। ऐसा नहीं है कि इस पे वो जिंदा है इससे कुछ कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ इसका सहारा लेता है, इसके ऊपर वो होता है लेकिन बाकी कार्य खुद ब खुद करता है, अपना कौन सा ऊतक से एक विशेष प्रकार का ऊतक होता है बेनामेल ऊतक जिससे वो ग्रहण करता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना अधिपाद जड़ बोलेंगे, इसको क्या हम लोग बोलेंगे अधिपाद जड़ बोलते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग को और हम लोग को पढ़ना होगा ना एपी फाइव हम लोग पढ़ लिए, चलिए अब है क्या एडवेंटेशियस रूट है पढ़ना, अब हम लोग को क्या पढ़ना है एडवेंटेशियस रूट के बारे में पढ़ेंगे, तो देखते हैं पहले इन सबको अगर मिटा दिया जाए तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए अब क्योंकि ये दोनों के बारे में ये जो है ना आपका मुसला जड़ और ये एडवेंटेशियस रूट ना इसको हम लोग को पढ़ना होगा, तो चलिए देखते हैं कि मुसला जड़ को ना इसको अभी रोकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाएंगे इसको इसी वीडियो में, यहाँ पे देखते हैं ना मुसला जड़ को थोड़ा सा डिवाइड करते हैं मुसला जड़ को, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या होता है ना क्वेश्चन पूछा जाता है टैप रूट यानी मुसला जड़, टैप रूट यानी मुसला जड़। हाँ एक चीज और है पूछा था डाउट होता है ना कि रेशेदार जड़ क्या होता है, तो रेशेदार जड़ कोई बड़ा चीज नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई अलग चीज है, मूसला जड़ जैसे झकाड़ हो जाता है यानी खूब दूर में फैल गया ढेर सारा उसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी रूट आ जाता है ना, तो वही क्या कहलाता है मूसला जड़ कहलाता है। जैसे क्या होता है ना कि कोई कोई पेड़ को अगर आप ऐसे उखाड़ रहे हो तो नहीं उखड़ेगा, और कुछ होता है ना कि चर चर करके वो उखड़ गया, तो चर चर करके जो उखड़ता है ना उचर चर आता है कुछ जड़िया में, वही प्राइमरी टर्शियरी और सेकेंडरी रूट रहता है, रूट हेयर जो रहता है जल का अवशोषण करता है। चलिए तो ये मूसला जड़ का प्रकार होता है ना कि कई प्रकार के मूसला जड़ होते हैं, ये मूल रूप से चार प्रकार में हम लोग को बांटते हैं, कितने प्रकार में बांटेंगे चार प्रकार में बांटेंगे। पहला जो आपका होता है न्यूमेटोफोरस होता है, क्या होता है न्यूमेटोफोरस यानी श्वसनीय जड़, ये इससे क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है न्यूमेटोफोरस से, क्या है न्यूमेटोफोरस से पूछा गया है यानी श्वसनीय जड़ जिसको हम लोग बोलते हैं। चलिए आगे आपसे अगर पूछा जाए ना तो शंकु रूपी कुंभी रूपी तरकु रूपी, एक क्या होता है शंकु रूपी, इसमें किस तरह का होता है ये शंकु रूपी, एक क्या होता है कुंभी रूपी और एक क्या होता है ना तरकु रूपी, तरकु। अब इसमें डाउट क्या है ना ये शंकु रूपी कुंभी रूपी तरकु रूपी ये हम लोग श्वसनीय जड़ पार करें, ये दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है जहां लवणीय क्षेत्र होता है ना समुद्र के किनारे, वहां क्या होता है ना कि जो छोटा छोटा पौधा होता है ना उसकी जड़ ऊपर की ओर आ जाते हैं, क्या होता है ना कि जैसे इस तरह से अगर दलदल है दलदल जो होता है ना तो जो छोटा पौधा होता है ना उसका जड़ जो होता है ना ऊपर की ओर आ जाता है और यही जड़ उसका श्वसन का काम करता है, अगर आप जाओगे तो दलदली वाले क्षेत्रों में ना तो वहां से इस तरह से देखोगे आप जो उस तरह के जड़ को निमेटोफोरस कहते हैं हम लोग ना यानी श्वसनीय जड़ कहते हैं, ये ऊपर की ओर होता है, ये ऊपर की ओर इस तरह से निकला हुआ रहेगा निकला हुआ आता है और यही श्वसन का काम करता है, इसलिए हमको इसको क्या बोलते हैं श्वसनीय जड़ बोलते हैं। जैसे आप सुंदरबन डेल्टा में जाओ तो जो सुंदरी होता है और राइजोपोरा होता है इसका एग्जांपल है, क्या क्या है इसका एग्जांपल सुंदरी है राइजोपोरा है इसका एग्जांपल है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि जो लवणीय क्षेत्रों में जो पाए जाते हैं जड़ उनको कौन सा जड़ बोलते हैं तो श्वसनीय जड़ बोलते हैं, क्योंकि ये दलदल के ऊपर आकर के पौधों के लिए कौन सा काम करते हैं श्वसन का काम करते हैं। चलिए अब शंकु रूपी के मतलब क्या होता है, शंकु का मतलब आप लोग समझते हो कि क्या होता है ना इस तरह से ऊपर से गोला होता है ना इस तरह से इस तरह का आकार होता है ना शंकु, तेल नापे वाला लीटर ये सब का चीज ऊपर से इस तरह से ना इस तरह से आकार का होता है ये शंकु रूपी आकार का ये शंकु है। चलिए
अब ये शंकु रूपी जो है ना, इस तरह के आकार का कौन कौन सा होता है तो हम लोग देखते हैं शंकु रूपी में, गाजर, शकरकंद, गाजर और शकरकंद। खोपचा की तरह नीचे जाता है, नुकीला बना करके नीचे जाता है, वो कुंभी रूपी कहलाता है, ये शंकु रूपी कहलाएगा। कुंभी रूपी का मतलब क्या होता है? कुंभी रूपी का मतलब होता है ऊपर से गोल रहेगा, क्या रहेगा? गोल रहेगा, नीचे लटका थोड़ा सा रहेगा, जैसे आप लोग का देखे होंगे प्याज देखे हैं, सलजम देखे हैं, इस तरह से रहेगा, इस तरह से रहेगा, नीचे उसमें ऐसे ऐसे इस तरह से रहेगा, तो इस तरह से रहेगा, नीचे थोड़ा सा ऐसे रहेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, कुंभी रूपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुंभी रूपी बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं तरकु रूपी। तरकु रूपी के मतलब क्या होता है? ऊपरे पतला, नीचे पतला, बीच में थोड़ा मोटा, ऊपरे पतला, नीचे पतला, बीच में थोड़ा मोटा, ऊपर पतला और नीचे भी कच्ची पतला, अच्छा, और बीचवा में क्या होता है? मोटा। आप लोग गाना सुने होंगे ना, वो अमिताभ बच्चन वाली मोटी बीबी वाले का भी बड़ा नाम है शायद, क्या क्या है ना वो गाना, चलो तो ऊपर पतला, नीचे पतला, बीच में मोटा। अब इसका एग्जांपल जैसे इसको देखें, क्या एग्जांपल है इसका? सलजम है। क्या है? सलजम है, चुकंदर है। चलिए इसमें क्या है ना, मूली है। मूली आप देखे होंगे, मूली जो खेत में होता है ना, मूली जब इस तरह से उखाड़ोगे ना तो क्या होता है, ऊपर ही पतला, नीचे ही पतला, बीच में क्या होता है? मोटा होता है। तो आपसे पूछा जाए कि तरकी रूपी निम्न में से कौन है, आपके पास ऑप्शन होगा, शकरकंद होगा, सलजम होगा, चुकंदर होगा, मूली होगा, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? तरकु रूपी मूली हो जाएगा। कुंभी रूपी कौन सा होगा? सलजम और चुकंदर। गाजर शकरकंद शंकु रूपी में हो जाएगा। सुंदरी और राजोपोरा किसमें होगा? श्वसनी जड़ में हो जाएगा। लेकिन कभी कभार होता है ना कि पढ़ते पढ़ते ना याद भूल जाते हैं हम लोग, कभी कभी होता है कि ना कि मेंटली ये प्रिपेयर नहीं होने की वजह से क्या होता है ना कि भूल जाते हैं कि भाई कौन कौन शंकु रूपी में था, कौन कौन कुंभी रूपी में था और कौन कौन तरकी रूपी में था। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसका एक थोड़ा सा हल्का सा ट्रिक बना लेंगे। क्या यह ट्रिक बनाएंगे ना, ससुरा, क्या याद रखे ना, ये ससुरा, सा से क्या हो जाएगी? श्वसनी जड़े। क्या है? श्वसनी जड़े। क्या होगा? श्वसनी जड़े। और सु से क्या है आपका? सुंदरी। क्या है? सुंदरी। और रा से राइजोपोरा, राइजोपोरा। ससुरा याद रखेंगे आप, क्या साग से, ससुरा साग से, सा से आपका क्या हो जाएगा? शकरकंद, यानी स्वीट पोटैटो, शकरकंद। और गा से कच्ची हो जाएगा? गाजर। गा से क्या? गाजर। और से है शंकु रूपी, से कौन रूपी हो जाएगा? शंकु रूपी, समझ रहे हो? ससुरा साग से, अब यहाँ पे लिखेंगे ना चूस के, साग से, ससुरा साग से चूस के, और चू से काची है? चुकंदर है। और सा से काची है? सलजम है। ससुरा साग से चूस के मूता, ससुरा साग से चूस के मूता, यानी ससुरा साग चूस के मूता, ये मुंह से क्या हो जाएगा आपका? मूली हो जाएगा। और ता से क्या हो जाएगा? तरकु रूपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तरकु रूपी हो जाएगा। आप क्या याद रखोगे ट्रिक? ये ससुरा जो है साग से चूस के मूता, आपका क्या हो गया? तो ये ससुरा साग से चूस के मूता। सा से क्या हो? स्वस्नी जड़े। सु से सुंदरी। और रा से राइजोपोरा। सा से शकरकंद। ग से गाजर। से शंकु रूपी हो गया। चू से चुकंदर। सा से सलजम। के से क्या हो गया? कुंभी रूपी हो जाएगा। और मूता मुंह से मूली। और ता से तरकु रूपी हो जाएगा। तो इस तरह से पूरा एग्जाम्पल हो गया, मुसला जड़ का टाइप का एग्जाम्पल हो गया। अब आपसे अगर पूछेगा कि कुंभी रूपी कौन है, शंकु रूपी कौन है, तरकु रूपी कौन है और स्वस्नी जड़े कौन है, तो शायद आप लोग कभी नहीं गलत करोगे। क्या याद रखो? सिर्फ ससुरा साग से चूस के मूता। चलिए अब आ जाते हैं, क्या बच रहा था कभी जो हम लोग छोड़े थे ना, आपस्थानिक जड़। क्या था? आपस्थानिक जड़। चलिए अब आकर के देखते हैं हमने किसको, आपस्थानिक जड़ देखते हैं। चलिए आपस्थानिक जड़ देखते हैं, यानी एडवेंटेशियस रूट। एडवेंटेशियस रूट क्या? ये एडवेंटेशियस रूट यानी आपस्थानिक जड़। क्या है? आपस्थानिक जड़। चलो ये आपस्थानिक जड़ एडवेंटेशियस रूट, इसको ना दो पार्ट में बांटते हैं। क्या ना? दो पार्ट में बांटते हैं। चलिए ये होता है ना क्या, अस्तंभ जड़। क्या होता है ना? अस्तंभ जड़। और ये क्या होता है ना? आपस्तंभ जड़। चलिए अब ये कैसे हम लोग जानेंगे आपस्थानिक जड़ क्या होता है ना,
ये इसका मतलब कैसे हम लोग समझेंगे? कभी कभार होता है ना कि जो ये मूल जड़ नहीं होता है, ऐसे आपसे पूछा जाए कि जड़ किससे बनता है, तो आप लोग को पता होगा कि रेडिकल से, यानी जैसे हम लोग शुरू में ही पढ़े किस तरह से जो बीज होता है ऊपर से जो निकलता है ना वो पलमूले होता है, यानी प्रांकुर होता है ये वाला, और नीचे जो इससे निकल करके जो जड़ बना इससे ये मूलांकुर, जिसको इंग्लिश में लोग ना रेडिकल बोलते हैं, तो ये रेडिकल से बनता है, ठीक है ना। लेकिन होता क्या ना, अपस्थानिक जड़ रेडिकल से नहीं बनता है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा ऐसा जड़ है जिसका निर्माण मूलांकुर से नहीं होता है। जैसे अगर पूछा जाता है कि जड़ का निर्माण तो मूलांकुर से होता है, लेकिन किस जड़ का निर्माण मूलांकुर से नहीं होता, अर्थात बीज से नहीं होता है, तो वो अपस्थानिक जड़ है। अब ये दो प्रकार का होता है, स्तंभ जड़ और अवस्तंभ जड़। स्तंभ जड़ का मतलब क्या होता है? स्तंभ जड़ का मतलब होता है ना सीधे 90 पर लटका रहेगा। सीधे कितना डिग्री पर लटका रहेगा? 90 पर लटका रहेगा। और ये जो होता है ना 90 डिग्री के एंगल पे नहीं होता है, ठीक है ना। अब कैसे नहीं होता है, क्या होता है, जैसे क्या होता है ना कि बचपन में हम लोग क्या करते हैं ना कि जैसे निकल जाते थे गर्मी में आसपास के बगीचा में, और बगीचा में देखे कि जामुन के पेड़ है, बगीचा में जामुन के पेड़ है, अब या आम के पेड़, फिर बरगद के पेड़ होता था, तो उसमें क्या होता था ना कि जिसको हम लोग बोलते ना कि सोरी लटकल है, ढेर सारा सीधे सीधे लटकल है, इसे पेड़ों पे क्या होता है ना कि लटका होता है, ढेर सारा लटका होता है। जैसे जब लटका होता है तो हम लोग पकड़ करके क्या करते हैं, झूलुआ झूलते हैं। तो जब बरगदिया इस समय जो लटकल रहता है उस सीधे सीधे ऊपरी तना में से पोकरे हम लोग क्या बोलते हैं, स्तंभ जड़ बोलते हैं। 90 डिग्री पर सीधे रहता है, वही अपस्थानिक जड़ है। काहे कि ऊपर से तना में से बन करके आया है, ऐसा नहीं है कि नीचे से उजा करके बना है। तो आप लोग बरगद में देखते होंगे ऐसे लटकते हुए, जगह पर हमने सीधे सीधे बोल देते हैं गर्मी के दिन में ना कि बरगदवा के पास ना जाओ, जमुनिया के पास ना जाओ, ताकि काहे नहीं जाओ, ताकि मुझे लटकल ना जगह में भूत लटकता है, भूत झूलवा झूलता है। तो अरे ऐसा कुछ ना है कि भूत झूलवा झूलता है, ओकरा में भूत के झूलवा झूले लोग बना बोल रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो निकला है अपस्थानिक जड़, और जगह पकड़ के हम लोग खूब झूलते हैं, 90 डिग्री पर होता है। तो जैसे एक नाम पूछ दिया जाए तो आपसे किस में होता है, बरगद में होता है, जामुन वगैरह सब में होता है। ऐसे भी लोग कहते हैं कि जामुन के पेड़ पर भूत ज्यादा रहता है ना। चलिए आप स्थान जो होता है 90 डिग्री पर नहीं होता है। जैसे आप लोग देखेंगे ना कि मकई वाला में, देखो मकई वाला में हम लोग देखते हैं कि मकई ऐसे सीधा सीधा खड़ा है, और यहाँ पे चलो एकरा में मकई के बाल लगल है, ठीक है ना। एकरा में क्या देखते हैं ना कि जमीन के नीचे जड़ होता है, तो जड़ तो वो सीधे गेले है, जड़ सीधे गेले है, एकरा में ऐसे टर्सियरी और सब वगैरह से कंडी सब जड़ निकले है मूसला जड़ के बाद। ओकर बाद देखते हैं ना कि यहाँ पे क्या होता है ना कि ऐसे ऊपर से एकरों में लग रहा है, ऐसे लगा रहेगा, एक्स्ट्रा निकल रहेगा जड़। तो ये जड़ निकल रहता है वो क्या करता है, वो यांत्रिक सहायता देता है, एक्स्ट्रा सहायता देने के लिए आता है। तो इस तरह का जड़ क्या कहलाएगा, अपस्तंभ जड़ जाएगा, यानी वैसा जड़ जो मूसला जड़ में है नहीं, नीचे है नहीं, ऊपर होता है। क्या होता है, ऊपर होता है, जो बीज से नहीं बना है, मूलांकुर से नहीं बना है, एक्स्ट्रा रूप में बना है। तो उस तरह से अगर सीधा 90 में है तो स्तंभ जड़, और 90 में नहीं इस तरह से तिरछा में आ गया तो बचे हो गया अवस्तंभ जड़। तो इस तरह से दोस्तों पार्ट वन के बाद पार्ट टू में आपका जड़ का जो वीडियो है वो समाप्त हो रहा है। अब हम लोग आगे हम लोग मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे जड़ के बाद तना का पार्ट। तब तक के लिए